इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में एक शराब ठेकेदार के मैनेजर के साथ 3 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। मैनेजर ने गांधीनगर पुलिस को बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने उसका पीछा किया और जान से मारने की धमकी दी। धमकी देते हुए 3 लाख रुपए की भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए जाँच कर रही है। हाँ, ये थाना तिलक नगर के अपराध क्रमांक 314/2020 में दिनांक 28/10/2020 को फरियादी धर्मेंद्र लोवंशी ने रिपोर्ट की थी कि दिनांक 27/10/2020 को फरियादी धर्मेंद्र और उसका एक साथी रोहित ये विजयनगर से पैदल पैदल रोबोट चौराहे पे आए और रोबोट चौराहे पर रात करीबन 10 बजे उन्होंने एक ऑटो वाले को हाथ देकर रोका और ऑटो वाले से कहा कि हमें इसके नंबर 140 में जाना है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा कि आप 40 रुपये दे देना और मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। इस ऑटो में पूर्व से एक चालक और उसका एक साथी भी पीछे बैठा हुआ था। जब फरियादी और उसका साथी बंगाली चौराहा क्रॉस करके पिपलियाना चौराहा की तरफ आने लगे, इसी दौरान जो ऑटो चालक है उसका साथी जो पीछे बैठा था उसने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और फरियादी के साथी रोहित के कमर पर पिस्टल रखी और ये धमकी दी कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। इस पर फरियादी धर्मेंद्र काफ़ी डर गया और उसने अपने पास जो 400 रुपये थे वो निकाल के दे दिए। फिर भी आरोपी ये कह रहा था कि तुम्हारे पास और पैसा है, मुझे और दो। तो इतने में फरियादी धर्मेंद्र ऑटो से एकदम कूद गया चलते ऑटो से और आगे चल के उसने उसके साथी जो रोहित था उससे 3000 रुपये छुड़ा लिए और उसको पिपलियाना चौराहे पर उतार के भाग गए हैं। चूँकि FIR में ऑटो का नंबर आया था और इसी ऑटो के नंबर के आधार पर हमने आरोपियों तक पहुँचे। उसमें एक आरोपी आबिद पिता रशीद खान उम्र 22 वर्ष निवासी नरवल को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल थी, पिस्टल और ऑटो जब्त किया गया है। इसका आबिद का एक साथी खुर्शीद खजराना का रहने वाला है, वो अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है।